हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और प्रेस्टीज असैसिन होम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विरार वेस्ट में ग्लोबल सिटी में एवरशाइन की ओर से अमावी 303, जो कि एक 13th फ्लोर 26 विंग का ह्यूमंगस प्रोजेक्ट है। जहां तक लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये लोकेशन क्लब वन के एकदम बगल में ही सिचुएटेड है। मतलब आप देखें तो हार्डली 100 मीटर दूर है ये क्लब वन से। और अगर बाकी हॉटस्पॉट पॉइंट्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, बिग बाज़ार, डी मार्ट और हॉस्पिटल्स और स्टेशन, ये आपको 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही अवेलेबल है दोस्तों। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें दोस्तों, तो क्लब वन की बसेस और ऑटो रिक्शाज भी फ्रीक्वेंटली यहाँ से अवेलेबल हैं आपके लिए। आइए आपको लेके चलते हैं अब 395 कारपेट के एक्चुअल 1 BHK शो फ्लैट में। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट साइड में इंटरकॉम फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही आप डोर से एंटर करेंगे, 10x14 का आपके लिए हॉल अवेलेबल है। यहाँ पर छोटा सा डाइनिंग स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस तरीके का हॉल आप बना सकते हैं। ये सामने का जो एरिया है, ये आपका बालकनी एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप 2 चेयर आराम से पुट अप कर सकते हैं और शाम की चाय का मज़ा ले सकते हैं। आइए आपको पैसेज में लेके चलते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। राइट साइड में आपको किचन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 2 शेल्फ अवेलेबल है आपके लिए। ये आपका कुकिंग टेबल है, वो आपका कटिंग टेबल है। मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे भी आपके लिए ड्राई बालकनी अवेलेबल है। और ये सामने है किचन के एग्जैक्टली आपका फर्स्ट कॉमन वॉशरूम। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फिटिंग और काफ़ी बढ़िया फिनिश की गई है। जैगुआर और सेरा के फिटिंग्स यूज़ किए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम, बहुत बढ़िया। अब अगर हम पैसेज में चले हमारे मास्टर बेडरूम में, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का स्पेस आपको मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। आप इसे एज अ रेफरेंस भी ले सकते हैं अगर आप इस तरीके का रूम अपने लिए बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको छोटी सी बालकनी मिल जाएगी। ये आपका वार्डरोब है और ये आपका मास्टर वॉशरूम। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फिटिंग है। यहाँ पे आपका स्टोरेज वाटर टैंक आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है 395 कारपेट का 1 BHK, काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है। आपको एक्चुअल आइडिया आ जाएगा कि कितनी यूजेबल स्पेस आपको मिल जाएगी और किस तरीके से आप अपना फर्नीचर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करके आप प्रॉपर सेटअप करा सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा 395 कारपेट का शो फ्लैट। अब हम आपको लेके चलते हैं एक्चुअल सैंपल 1 BHK फ्लैट में, जो कि एक प्रीमियम 1 BHK फ्लैट है, जो 435 का कारपेट है। आइए हम चलते हैं हॉल में। एंट्री करते ही हमें मिल जाएगा 10x15 का बड़ा सा हॉल। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यूजेबल स्पेस आपको मिल जाएगा। और हॉल में ही आपके लिए 9x5 की बालकनी अवेलेबल है। ये एक्चुअल फ्लैट है सर दोस्तों, जो आपको मिलने वाला है। आइए पैसेज एरिया में एंट्री करते हैं। ये है आपका कॉमन वॉशरूम। आप देख सकते हैं फिटिंग्स बढ़िया, जैसी थी वैसी की वैसी ही। ये आपका स्टोरेज स्पेस है। ये आ गए हम अपने किचन एरिया में। ये हमारा कुकिंग स्पेस है, ये हमारा कटिंग स्पेस है। मॉड्यूलर फिटिंग्स ऑलरेडी कर दिए गए हैं। ये आपका ड्राई बालकनी एरिया आ जाएगा, काफ़ी बढ़िया।
यहाँ पे आप अपने फ्रिज के लिए ऑलरेडी स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर्स का जो बैटरी है और जो यूनिट आ गया वो लग सकता है। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम 10x12 का बड़ा सा आपको बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम में आपको 6x2 की एक बालकनी स्पेस भी अवेलेबल है। और ये है आपका मास्टर वॉशरूम, आप देख सकते हैं फिटिंग्स एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का आपको सैम्पल फ्लैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके का आपको 1 BHK और 2 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट मिलने वाला है। दोस्तों जहां तक प्राइसिंग की बात करें तो 1 BHK आपको 36 लाख के प्राइस में अवेलेबल है और 2 BHK आपको 48 लाख के प्राइस में अवेलेबल है। काफ़ी प्रीमियम अपार्टमेंट है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें, आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।